मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में गुलजारबाग प्रेस भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने पुरातात्विक खुदाई को लेकर विशेषज्ञों से एवं अधिकारियों से बातचीत की। कई बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की और कई बातों को समझा और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। निरीक्षण के पश्चात पत्रकारों से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या कहा। सरकारी जमीन है तो उसको देख करके अगर वहाँ कुछ खुदाई की जाए तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल सकती है, तो इसी के लिए हम कहे हुए हैं लोगों को। तो अभी हाल ही में इन लोगों ने एक दो जगह इसको आइडेंटिफाई किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने BNR टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का भी निरीक्षण किया। यहाँ भी कई बातों को लेकर उन्होंने गंभीरता से पहल की है। उन्होंने कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हमने पुरातात्विक खुदाई को लेकर पहले ही बता दिया था कि जो सरकारी एरिया है उसमें खुदाई किया जा सकता है, लेकिन यहाँ परिसर को देखने से यह पता चला है कि स्कूल को और भी एक्सटेंशन करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर जो हम आए हैं यहाँ पर स्कूल के का को और एक्सटेंशन करने की जरूरत है उस साइड में। बिल्कुल जो चला आया ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इधर, तो वहाँ पर वाला हिस्सा स्कूल के लिए कर देंगे, बच्चियों के खेलने कूदने के लिए भी इधर बना दीजिएगा। उधर रोहतास जिले में बालू का खेल जारी है। इस खेल में कई अधिकारियों पर गाज भी गिर चुकी है, बावजूद बालू का यहाँ खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसके गायब होने की के संबंध में दर्ज कराया गया है, उसमें जो भी शामिल हैं चाहे जो कोई कंपनी या उसके जो स्टाफ हैं उन पे कार्रवाई की जा रही है। और मधेपुरा सदर अनुमंडल के मुरलीगंज प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों शिक्षकों की मनमानी सामने आ रही है। बिना सूचना के विद्यालय से शिक्षक गायब हो जा रहे हैं। छात्रों की फर्जी उपस्थिति का मामला भी सामने आ रहा है और इस कड़ी में कोल्हियापट्टी वार्ड संख्या 1 में स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय पासवान टोला का मामला सामने आया है, जहां कई तरह की गड़बड़ियों की बात कही जा रही है। हम लोग को कुछ मालूम नहीं, मतलब मास्टर आ रहा ना, आज तक हम लोग का बाल बच्चा कोई लाभ मिला है। रोहतास जिले के नटवार से खबर आ रही है, जहां मिर्गी बीमारी से एक 14 साल की लड़की की मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बघेला थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर का यह मामला है। अचानक इस घटना के बाद लोगों में कोहराम मच गया। उधर नटवार के मोह रोड गांव में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई, पुलिस भी मौके पर पहुंची। आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई। सबको पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में भेज दिया गया। सर सुबह में 3 बजे सरकारी गाड़ी से गया, वहाँ अज्ञात लाश पड़ा हुआ है। समस्तीपुर में लगातार हत्या लूट जारी है। इस बीच पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है, अपराधियों को पकड़ने में सफलता मिली है। लूट की घटना के 15 घंटे के अंदर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। थाना क्षेत्र के मुक्तापुर में मुथूट माइक्रोफिन के एजेंट से 34,000 रुपए की लूट हुई थी। उस घटना में शामिल 2 अपराधियों जिसका नाम अभिषेक और अंकित है, दोनों को गिरफ्तार किया। साथ ही लूट में से 17,530 रुपए बरामद कर लिए हैं। स्कूल भवन का निर्माण की मांग कर रहे छात्र छात्राओं एवं अभिभावक पर मुकदमा निंदनीय है। इस घटना की निंदा की गई है, यह शिक्षा विरोधी बताया गया है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। छात्र छात्राओं को शिक्षा से वंचित करने का आरोप लगाया गया है। माली के विधायक मनोज मंजिल ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि युवा नेता राजू यादव पर से मुकदमा वापस होना चाहिए। तारापुर प्रखंड क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन का कार्य गुरुवार से आरंभ हो गया है। नामांकन आरंभ होने के बाद भी शुक्रवार को तारापुर प्रखंड निर्वाचन कार्यालय से विभिन्न पदों के लिए 40 उम्मीदवारों ने कटाए नजारत रसीद। निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि गंभीरता के साथ यहां काम कराए जा रहे हैं। मुखिया पद के लिए 1 उम्मीदवार, सरपंच पद के लिए 6 उम्मीदवार, वहीं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 3 उम्मीदवारों ने NR रसीद कटाया है। वहीं वार्ड सदस्य पद के लिए 15 एवं ग्राम कचहरी पद के लिए 15 उम्मीदवारों ने नजारत रसीद कटाए हैं। पूर्वी चंपारण जिला के हरसिद्धि थाना क्षेत्र में अचानक भीषण अग्निकांड की घटना हुई है, जिसमें लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना थाना क्षेत्र के मानिकपुर पंचायत का बताया जा रहा है, जहां लक्ष्मणवा गांव की यह घटना है। देर रात यह घटना हुई, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। समस्तीपुर जिले के ताजपुर में गरीबों के लिए चचरी पुल एकमात्र सहारा है, जहाँ आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। मोरवा प्रखंड के सारंगपुर गाँव का यह मामला है, जहाँ चचरी पुल के सहारे हजारों लोगों की जिंदगानी अटकी हुई है। मोरवा प्रखंड के सारंगपुर पंचायत में वार्ड संख्या 9 के अति पिछड़ा बस्ती में अब तक गरीबों को चचरी पुल ही नसीब हो सका है। यहां सरकार की तमाम योजनाएं दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। नेताओं का आना जाना भी होता है, लेकिन इनके समस्या के समाधान के लिए अब तक किसी ने पहल नहीं की है। बाढ़ बरसात की वजह से इन दिनों लगातार परेशानी बढ़ी हुई है। मुजफ्फरपुर के गायघाट में BDO और थाना अध्यक्ष ने आज थाना परिसर में वृक्षारोपण किया।
पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में वृक्षारोपण का अहम योगदान है। इस तरह का वक्तव्य इन अधिकारियों ने यहाँ दिया।